गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। ठीक है, कल हम लोगों ने डिसोल्यूशन को आगे बढ़ाया था। डिसोल्यूशन के कुछ मैंने स्टेप्स आपको कल बता दिए थे। ठीक है, आज हम लोग उसी स्टेप्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं। मतलब आज हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे, जर्नल एंट्री के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, कल मैंने कहा था कि आपको रिद्धि सिद्धि वाला क्वेश्चन करना है, तो रिद्धि सिद्धि क्वेश्चन करने के पहले जर्नल एंट्री, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप देख लेते हैं। कल मैंने आप लोग कुछ बेसिक स्टेप्स बताए थे कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन मतलब अभी तक क्लियर है पॉइंट, डिसोल्यूशन में जब भी क्वेश्चन आपको दिया होगा तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, जितने भी बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट्स दिए होंगे उन सबको एज इट इज बुक वैल्यू पे आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, उसकी पहली एंट्री ये होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, फर्स्ट एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट होंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड जाएंगे। ठीक है, ये मैंने लेजर आपके सामने पहले से बना के रखा हुआ है। लेजर इफेक्ट आपको सिर्फ करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी, तो रियलाइजेशन को डेबिट करो क्या नाम से, जैसे 11th में सीखा था, राइट, तो मतलब इसके बुक में उसका नाम, इसके बुक में उसका नाम। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में किसका नाम, सन्ड्री एसेट का नाम, और सन्ड्री एसेट के बुक में किसका नाम, रियलाइजेशन का नाम। बस इतना आपको करना है, मतलब रियलाइजेशन इसका नाम लिखता है क्रेडिट साइड वाले का, और क्रेडिट साइड वाला डेबिट साइड वाले का नाम, मतलब लेजर इफेक्ट, सिंपल सी बात है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आपकी वही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, इसका मतलब एसेट का अकाउंट तो बनाना पड़ता नहीं आप लोगों को, रियलाइजेशन का अकाउंट है, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, सारे एसेट के नाम लिख लोगे, जितने भी एसेट होंगे उन सब के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री आपकी हो चुकी है, मतलब पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया, पहले स्टेप में पूरे एसेट आपको ट्रांसफर करने हैं और उसकी जनरल एंट्री ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट आता है, नेक्स्ट आपको लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है, जितनी भी लायबिलिटीज होगी बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा उसमें जितनी भी लायबिलिटीज होगी वो सब लायबिलिटी आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है, उसकी एंट्री उसके अपोजिट होगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसका मतलब रियलाइजेशन को क्या करो, क्रेडिट करो क्या नाम से, लायबिलिटी नाम से, रियलाइजेशन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे क्या नाम से, लायबिलिटी नाम से। ठीक है, लेजर इफेक्ट हमारा हो चुका है। थर्ड, जितने भी प्रोविजंस दे रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि बैलेंस शीट में अगर डेटर्स दिया हो उसके नीचे आरडीडी दिया हो तो आरडीडी हमको कहाँ लिखना होता है, डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आरडीडी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जितने पॉइंट लिखे हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर आरडीडी, अगर इसमें से कुछ भी रहा तो वो यहीं आएगा। ठीक है, ये सब कहाँ लिखा रहेगा, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के, वो आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखना है, एसेट वाली चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है, कैशर बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व, अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया रहा तो वो कहाँ जाएगा, एंट्री क्या कहती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, मतलब पार्टनर को क्रेडिट करो क्या नाम से, जनरल रिजर्व, पार्टनर अकाउंट यहाँ होगा, यहाँ पे आप जनरल रिजर्व लिख दोगे, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, कल बताया था आप लोगों को, ओपनिंग बैलेंस एज इट इज लिख दोगे जो बैलेंस शीट में दिया होगा, जनरल रिजर्व उनके पुराने रेशियो में बांटकर उनको एज इट इज यहाँ पे अमाउंट आपको शिफ्ट कर देना, अगर दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम एसेट सोल्ड करेंगे, मैंने आपको बताया था बिजनेस बंद करने वाले तो एसेट रखकर क्या करोगे, तो पहला क्या, एसेट ट्रांसफर कर दो, दूसरा क्या, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो, तीसरा क्या, प्रोविजंस वगैरह वो ट्रांसफर कर दो, चौथा क्या, रिजर्व, जनरल रिजर्व हो सकता है, इसके अलावा और भी चीजें उसमें हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी जनरल रिजर्व जो भी पैसा इकट्ठा करके पार्टनर से रखा है उन सबको पार्टनर के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब ये क्या पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि जब पूरे बैलेंस शीट खत्म हो जाए तब नीचे एडजस्टमेंट में आना, कल की वीडियो में अगर आपने अच्छे से देखा होगा, जब बैलेंस शीट पूरी फिनिश हो जाए तब नीचे हम लोग एडजस्टमेंट को टच करते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट जब आएगा तो उसमें एसेट रियलाइज करके मैंने एक वर्ड आपको बताया था कल, तो एसेट रियलाइज मतलब क्या था कि आपने पूरे एसेट सेल आउट कर दिए, जितने भी एसेट आपने बेचे तो एसेट आपके पास से गया तो क्या आया, पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट नहीं रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट होगा, कैशियर या फिर बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब ये एंट्री किस बात की है, एसेट को बेचने की एंट्री है, यहाँ पे दोनों लेजर अवेलेबल हैं आपके पास, मतलब कैश अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से, और रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा क्या नाम से, कैश और बैंक के नाम से। ठीक है, मतलब ये एसेट बेचने की एंट्री होगी, पैसे आए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री किस बात की है? प्रॉफिट और लॉस की एंट्री है। अगर हम लोग ने पहले बताया था कि सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना पड़ता है? रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते समय आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, मतलब कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ये कब होगा? पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन में अगर क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब लॉस हुआ होगा, यहाँ आएगा इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। बैलेंस करके करेंगे, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। फिलहाल जर्नल एंट्री, बेसिक जर्नल एंट्री सीख रहे हैं हम लोग। तो बेसिक में जर्नल एंट्री में इसमें अभी फिलहाल 6 एंट्रीज आपको दिख रही है बोर्ड पे, ठीक है। तो 6 एंट्री के अलावा और कौन सी एंट्री हो सकती है? 6 एंट्री के अलावा भी एंट्रीज हो सकती है, जैसे कोई पार्टनर ने अगर कोई लाइबिलिटी पे किया तो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ हुआ तो। तो इसका मतलब छोटे से मैंने बेसिक एकदम एंट्रीज यहाँ पे अभी डिस्कस की है, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जर्नल एंट्रीज भी क्वेश्चन में आए तो आपको कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा अभी रिद्धि सिद्धि का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, आप फटाफट इसको देखो। इसका एक इमेज मैं आपको सेंड करूंगा साथ में, तो एप्लीकेशन में इस इमेज को भी देख लेना और उसके बाद वीडियो को फिर देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, डाउनलोड कर लेना, उसके बाद फिर वीडियो को देखो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रिद्धि सिद्धि का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कुछ भी डाउट हो तो पूछो, ठीक है। ओके, चलो बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।